बाहुबली और भल्लाद देव दोनों ने समान साहस और पराक्रम दिखाया। उससे प्रभावित होकर राजमाता ने उन्हें महाराज घोषित कर दिया। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मेरा ये पहला आदेश है, इस राज्य में नीति, न्याय और लगन के साथ काम करने वाला हर नागरिक अपना सर उठाकर जिएगा। जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री तरफ से एक ऐसी मूवी रिलीज हुई थी जिसे आज तक इंडिया में इस फिल्म के लेवल की कोई फिल्म बनी नहीं है। आप सभी को बाहुबली 2 फिल्म तो याद होगी, कैसे भूल सकते हो। इंडिया की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी आज भी बाहुबली 2 है। आज तक इस फिल्म का रिकॉर्ड भारत में कोई नहीं तोड़ पाया और इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच जिस तरह से प्यार मिला था, आज तक कोई भी फिल्म इस तरह से प्यार देखने को नहीं मिली थी। ये फिल्म इंडियन सिनेमा की कलेक्शन में दूसरे स्थान में नाम कमा चुकी है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर बाहुबली 2 फिल्म को किस लेवल में बनाया गया था। अब इन सबको लेकर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले की बाहुबली 3 मूवी के बारे में। जब से बाहुबली 2 मूवी रिलीज हुआ था तब से लेकर लोगों के बीच थर्ड पार्ट को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई थी। अभी इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। वही बात करें इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रसाद देवीनैनी की तरफ से एक अपडेट आया है कि बहुत ही जल्द इस फिल्म के ऊपर काम करने वाले हैं और उन्होंने ये भी बताया कि डायरेक्टर एस एस राजमौली सर इस फिल्म के ऊपर काम करने वाले हैं। अभी इसके लिए हमें लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। इस अनाउंसमेंट को सुनकर दर्शकों ने बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म के थर्ड पार्ट को लेकर लोगों का एक्सपेक्टेशन का लेवल भी काफी ज्यादा है। लेकिन अभी बाहुबली 3 फिल्म को लेकर मेकर्स तरफ से कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। वही आपको बता दें इस फिल्म की शूटिंग 2024 में स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ये कब तक होगी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। बीच बीच में इस फिल्म को लेकर मेकर्स ने चर्चाओं भी कर चुके हैं, लेकिन ये रिवील नहीं किया गया कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। और सुनने को मिल रहा है कि बाहुबली 2 के प्रोड्यूसर इस फिल्म के थर्ड पार्ट को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी इसके लिए कुछ अपडेट नहीं आई है क्योंकि एस एस राजमौली सर के पास इतना फिल्म है तो उनको बनाने के लिए कई साल लग सकता है। लेकिन खबरें निकल कर आ रही है कि बाहुबली 3 फिल्म जरूर बनने वाली है। अगर बाहुबली 3 फिल्म बनती है तो इसके लिए हमें 3 साल इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इस फिल्म को बाहुबली 2 से अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे वीएफएक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब लोगों के बीच में यही सवाल है कि अगर बाहुबली 3 फिल्म बनती है तो स्टोरी क्या होगी। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि बाहुबली 2 फिल्म में विलन भलाल देव मर गया था और लास्ट में अमरेंद्र बाहुबली पुत्र महेंद्र बाहुबली को राजा बना दिया गया है और आखिर में भलाल देव के पिता जिंदा बच गए थे। इसलिए हो सकता है कि बाहुबली 3 फिल्म की स्टोरी यहीं से कंटिन्यू किया जाए। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस फिल्म की स्टोरी यहीं से शुरू होगा या नहीं। लेकिन अभी प्रभास कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बिजी है, हो सकता है प्रभास बाहुबली 3 फिल्म में बहुत ही जल्द काम किया जाए। वही बात करें फिल्म, हमें लीड रोल में फिर से महेंद्र बाहुबली यानी प्रभास को देखने को मिलेंगे और इनके साथ कटप्पा यानी सत्यराज को देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ फीमेल के रोल में अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया को देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस फिल्म में विलन के रोल में कौन निभाने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, जब तक इस फिल्म की कुछ अनाउंसमेंट नहीं आता तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है इस फिल्म को 2027 में देखने को मिल जाए। अब देखना ये होगा आखिर इस फिल्म को मेकर्स ने कब तक शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इस फिल्म को देखने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लेना। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।